लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई थी द फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस इन 1857 अब कोई भी चीज़ शुरू होती है उसके बाद वो बढ़ना शुरू होती है सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ग्रोथ ऑफ़ नेशनलिज़्म नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति इंडियन हिस्ट्री में ये कब शुरू हुआ आज के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए कौन कौन लोग शामिल थे किन किन जगहों में हुए और कब हुए चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनलिज्म एज वी कैन सी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी इट वॉज द टाइम व्हेन द बर्थ ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया took place it originated from the concepts of nationalism and right of self determination which was initiated by the french revolution the socio religious reform movements in india as an offshoot of modernization introduced by the british in india and as a reaction to the indians to the british colonial policies

जो इवेंट हुआ था वो था नेशनलिज्म। इसकी शुरुआत या जो इवेंट जिससे हम इंस्पायर हुए वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस में हुआ था बहुत सारे सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए हिंदुस्तान में भी और यही शुरुआत थी जब हिंदुस्तान में मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ और ये ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया इसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने आई एन सी दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस्टेब्लिश हुई 1885 में और यही शुरुआत थी ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट की हिंदुस्तान में नेशनलिज्म, नेशनलिज़्म क्या है ये नेशनलिज्म? वट इज नेशनलिजम हिंदी में इसे देशभक्ति कहा जाता है नेशनलिज़्म रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वन एंड कॉमन कॉन्शियसनेस दैट इमर्जेस व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड दे हैव द सेम कल्चरल वैल्यूज़ एंड कंसीडर दमसेल्व एज वन नेशन यानि कि देशभक्ति वो एकता का एहसास है वो समान सोच है जो एक क्षेत्र में रह रहे लोगों के अंदर ख़ुद ब खुद बखुद, अपने आप जागृत होती है क्योंकि उनकी ऐतिहासिक राजनैतिक और सांस्कृतिक सभ्यता एक होती है उनके कल्चरल वैल्यूज़ एक समान होते हैं इसलिए वो खुद को एक नेशन एक देश समझते हैं और मानते हैं ये होती है देशभक्ति आइए इसकी स्टोरी जानते हैं हाउ इट स्टार्टेड इंडिया वॉज नेवर वन सिंगल यूनिफाइड नेशन ऑन द कॉन्ट्री इट कम्प्राइज मैनी किंगडम्स विद डिफरेंट किंग्स एंड रूलर्स हिंदुस्तान कभी भी एक समूचा भारत नहीं रहा इतिहास में बल्कि यहाँ टुकड़ों में बटा रहा और अलग अलग टुकड़ों के अलग अलग राजा अलग अलग रूलर्स रूलर्स रहे लॉयल्टी ऑफ द पीपल वॉज दे ओनली फॉर दे पर्टिकुलर किंग नॉट फॉर द एंटायर नेशन एज वन यूनिट सो लोगों का जो विश्वास था वो अपने अपने राजाओं के प्रति था ना कि समूचे अखंड भारत के लिए इसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ इट एज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज मिसिंग अमंग इंडियंस बट सून आफ्टर पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग फॉर देर कंट्री फॉर दर नेशन नेशनलिज्म इमर्ज एंड पीपल स्टार्टड अपोजिंग द ब्रिटिश भरपूर फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने इस चीज़ का कि हिंदुस्तानियों के दिल में देशभक्ति नाम की चीज़ नहीं है बट जैसे ही लोगों को ये एहसास होने लगा अपने देश के प्रति नेशनलिज्म देशभक्ति की फीलिंग उभर कर सामने आई और लोग खुलकर ब्रिटिश का विरोध करने लगे The resistance was localized and scattered, as we dealt in previous lecture as well. जो resistance था जो opposition था जो विरोध था ब्रिटिश के प्रति हिंदुस्तानी करते थे वो localized था scattered था अलग अलग जगहों पर था जैसे दिल्ली मैसूर बिहार ये सब दूर दूर थे Connectivity तब इतना आसान नहीं था कि आप Facebook में एक post डालिए वो लोगों तक पहुंच जाएगा व्हाट्सएप सर्कुलेट कर दीजिए पहुँच नहीं था ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था इस वजह से रेजिस्टेंस जो था वो बड़ा ही कमज़ोर सा था रेजिस्टेंस को अंडरटेक करते थे यानी कि रेजिस्टेंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वहाँ के चीफ टेंस यानि कि मुखिया राजा सेनापति या उनके डिसेंडेंट्स रिश्तेदार जमींदार एक्स सोल्जर्स या ऑफिशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स सो द रेस्टेंस वॉज सोल्जर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स ट्रेडिशनल टू द ब्रिटिश केम अलॉन्ग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो एक औपचारिक विरोध ब्रिटिश के प्रति हिंदुस्तानियों का था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से वो शुरू हो गया था ऑल दो इट फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंस्पायर द इंडियंस टू रिजिस्ट द फॉरेन पावर एंड स्ट्रगल फॉर देयर फ्रीडम हालांकि अपने ऑब्जेक्टिवस अपने गोल को अचीव करने में ये मूवमेंट फेल रहा बट कोई भी की हुई चीज़ कभी भी फ़ेल नहीं होती है वो अपना गोल हासिल कर सके या ना कर सके बट वो इंस्पिरेशन होती है कई लोगों के लिए वो कहानी बन जाती है और वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाती है सो so, इसी तरह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ़ेल तो ज़रूर हुआ अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने में बट इसने हिंदुस्तानियों को प्रेरित किया कि वो फॉरेन पावर को रेजिस्ट करें अपोज करें और अपनी आज़ादी के लिए लड़ें इसी के साथ एक और चीज़ हुई वो था स्वदेश के प्रति लोगों के इमोशंस, लोगों का नज़रिया लोगों के सेंटिमेंट्स और वो लोग कौन थे हम हिंदुस्तानी और सेकेंड हाफ ऑफ द नाइन्टीन सेंचुरी में वी हैड विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ़ नेशनलिज्म दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑन हाउ द ग्रोथ ऑफ़ नेशनलिज्म बिगैन हिस्ट्री में हमेशा कोई भी चीज़ किसी कारण के साथ ही होती है पिछले लेक्चर में भी बताया था

एकदम शुद्ध हिंदी में इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन को अगर ट्रांसलेट करें तो ये होगा आर्थिक शोषण शोषण तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों का बहुत किया था इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन द इंडियन रियलाइज दैट द जनरल एम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया वाज टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ इंडियंस जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रिटिश हिंदुस्तान व्यापार करने आए थे दे केम हेयर टू टू बिजनेस बट एज सुन एज दे रियलाइज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज स्कैटर्ड ऑल ओवर इंडिया दे आर नॉट यूनाइटेड दे टुक द एडवांटेज ऑफ द सेम एंड प्लेड वेरी वेल जिन सेक्शंस का इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन जो सबसे अधिक वनरेबल थे देवर दीजेंट्स द आर्टिस एंड क्राफ्ट मैन वर्किंग क्लास एंड द एडुकेट इंडियंस किसान चाहे अंग्रेज का ज़माना रहा हो या आज का दे वर द मेन विक्टिम्स एंड दे वर मेन विक्टिम्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज इज वेल द गवर्मेंट टूक अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेज दीज एग्जॉबिटेट टैक्सेस लेड द पीजें क्लचिस ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स क्या किया इन्होंने गवर्मेंट ने जितनी वो खेती करते थे जितना अनाज उगता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लैंड रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में ले लिया जाता था और ये बेहिसाब टैक्स जो थे इस टैक्स ने किसानों को लैंड लॉड्स ज़मींदार्स और जो सूदखोर, मनी लैंडर्स थे उनके कब्ज़े में इन्हें दे दिया पूरी तरह से ये किसान टूट चुके थे बात करें आर्टिस एंड क्राफ्ट्समैन की सो द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री उन्हें डर था कि अगर इन्हें नहीं ख़त्म किया तो हमारा माल कैसे बिकेगा द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज इट्स पोलिटिकल पावर टू डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडी क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री जो छोटे छोटे लोग अपने घरों में चीज़ें बना के बेचते थे अपना गुजारा करते थे उनको सबसे पहले इन्होंने मारा मारा इन द सेंस जान से नहीं मारा दिमाग से मारा इंडिया बिकेम अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ़ ब्रिटेन हिंदुस्तान से सारा कच्चा माल जाता था फॉर द इंडस्ट्रीज़ ऑफ़ द ब्रिटेन एंड मार्केट फॉर इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमारी ही चीज़ को आज भी होता है जो भी विदेशी ब्रांड के कपड़े लोग बड़े शान से पहनते हैं ब्रांडेड है क्या पता उसका कॉटन सूरत से ही गया हो क्या पता क्या मोस्टली होता ही है हिंदुस्तान से ज़्यादा प्रोडक्शन किसी देश में नहीं है बट वी आर स्टिल स्लेव बिकॉज ऑफ फैशन ब्रांडेड ही पहनेंगे सो बेसिकली दिस पॉलिसी क्रिपल्ड द आर्टिस एंड क्राफ्ट बैडली एज दी वर डिवॉइड ऑफ देयर सोर्सेस ऑफ लिवलीहुड खाने के बांधे थे ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स उनको ले आए थे अब आते हैं वर्किंग क्लास जो मोस्टली मिडिल क्लास होते थे वो तो बेचारा वैसे ही मरा रहता है मिडिल क्लास इंसान अभी भी लॉकडाउन की हालत है गरीब का गुज़ारा तो उससे चल रहा है जो लोग दान पुण्य दे रहे हैं अमीर के पास आज भी कोई कमी नहीं है जो मिडिल वाला है वो ना मांग सकता है लाइन में खड़ा हो सकता है कि उसे गेहूँ चावल दाल मिल जाए चंदे में उसके शान के खिलाफ होगा तो वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास उस वक्त भी नहीं आज भी सो so उस वक्त क्या था ग्रोथ ऑफ़ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू द बर्थ ऑफ अ न्यू सोशल क्लास इन इंडिया द वर्किंग क्लास देवर एक्सप्लॉयटेड उनका भी शोषण होता था बाय द फैक्ट्री ओनर्स वर जनरली इंग्लिश मैन फैक्ट्रीज इस्टब्लिश करना एक बहुत बड़ा खर्चे का काम होता था और उस वक्त पैसे सिर्फ पैसे और पावर दोनों ब्रिटिश के पास था ऑल दो दे फॉर्म अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दे रिप्रेजेंटेड न्यू सोशल आउटलुक देयर आउटलुक एंड इंटरेस्ट वर वेरी ब्रॉड एंड कवरिंग होल ऑफ इंडिया दो दे फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन सिटीज ऑल दीज फैक्टर्स मेड दे पोलिटिकल थिंकिंग फार मोर सिग्निफिकेंट दैन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सो so, ये इनकी सोच जो है उसने भी नेशनलिज़म को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया ज़रूरी भी था और अब आते हैं एजुकेटेड, एंड दी एजुकेट इंडियंस जो आज भी बहुत बड़ा खैर The only employment available to the educated Indians was government service, in which competition was high and chances of promotions were bleak, both kam promotions. They had hoped that British capitalism would help to develop India's productive forces as it had done for Britain. Instead, they found that British policies were keeping India economically backward. इसलिए ये सारे सेक्शन सोसाइटी के जो है उन्हें लगता था दैट दे आर वनरेबल टू इकोनॉमिक सेल्वेशन एंड दे ले इन फ्रीइंग दैम सेल्व फ्राम द ब्रिटिश रूल सो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द इंडियन पीपल हैड टू कम टूगेदर ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म इन द प्रोसेस विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म प्रसिव्ड अ पावरफुल स्टिमलस ये एक बहुत तगड़ा मूव था जहाँ नेशनलिज़म ने अपने पर फैलाए रिप्रेसिव का मतलब होता है आई होप आप लोगों ने डिक्शनरी देखा होगा रिप्रेसिव का मतलब होता है सख्त कठोर कॉलोनील मैं बता चुका हूँ पहले भी कॉलोनियल वर्ड जब भी यूज़ होगा इट इज़ फॉर द ब्रिटिश पॉलिसीज़ नियम उस वक्त लॉर्ड लेटन हिंदुस्तान के वाइस रॉय थे फ्रॉम 1876 सेवेंटी सिक्स टू एटीन एटी ही एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया कैटलिस्ट केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है या वो केमिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को और तेज करता है उसकी पेस को तेज़ करता है स्पीड को तेज़ करता है सो so यहाँ आप समझ गए होंगे कि लॉर्ड लिट्टन ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बाय मेकिंग न्यूमरस रिप्रेसिव पॉलिसीज़ बहुत कठोर इन्होंने अपने नियम बनाए जिनके हाइलाइट्स हैं इनका एक ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 सेवेंटी एट इन्होंने लॉन्च किया हालांकि इस एक्ट को बाद में लॉर्ड रिपोन ने रिपील कर दिया यानी कैंसिल कर दिया एनल कर दिया तीसरा इन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 निकाला एज लिमिट तय की आई यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो आज की डेट में आई होता है वो एक्चुअली ब्रिटिश की देन है और तब आई को आई कहा जाता था दैट इज़ इंडियन सिविल सर्विसेज इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में भी इन्होंने नए कानून लाए और और इल्बर्ट बिल 1883 में पास किया ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में किया गया टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज़ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया उनकी रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान की मल्लिका घोषित किया गया लाखों रुपए उस जमाने में लाखों रुपए बहुत बड़ी बात होती थी स्पेंड किए गए इस इवेंट के लिए बट इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं था इस भव्य समारोह इस भव्य इवेंट में खाने के बांधे थे इंडियंस के और यहाँ पे लाखों रुपए एक इवेंट में खर्च कर रहा था ब्रिटिश वर्ना वर्ड का मतलब नहीं पता तो डिक्शनरी देखो वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज जैसे हम महाराष्ट्र में हैं सो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज मराठी यहाँ के लोकल्स की सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फॉरबेड वर्नाकुलर पेपर्स टू पब्लिश एनी मटेरियल दैट माइट एक्साइट फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि वो कोई भी चीज़ आप छाप नहीं सकते हो अब चूंकि उस वक्त इतना पढ़ा लिखा नहीं था हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे इस वजह से लोगों को वर्नाकुलर यानी कि अपने यहाँ के लोग जैसे उड़ीसा का है उड़िया समझेगा बंगाल का है बंगाली समझेगा महाराष्ट्र का है मराठी समझेगा आसान था तो लोग पैम्फलेट्स एंड न्यूज़पेपर बनाते थे वर्नाकुलर लैंग्वेज में ताकि लोकल लोगों को समझ आए कि ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स ये भाप गए कि इस तरह से अगर चलता रहेगा तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे भाई साहब ने वर्नाकुल प्रेस एक्ट ठोक दिया 1878 में हालांकि 1882 में इस एक्ट को लॉर्ड रिपोन ने कैंसिल कर दिया अगला था इंडियन आर्म्स एक्ट आर्म्स यानी वेपन्स आर्टलरी दिस मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर इंडियंस टू कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस मतलब ब्रिटिशर्स है तो हथियार रखे इंडियन हैं तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए ब्रिटिशर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा यार सीधी सी बात है आईसीएस एग्ज़ामिनेशन की मैक्सिमम एज लिमिट जो है इंडियन्स के लिए 21 साल से 19 साल कर दी इंडियंस वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं था और त्रास दे दिया और हाई कंपटीशन हो गया उनके लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स में जो थी वो रिमूव कर दी गई विच प्रूव्ड हार्मफुल फ़ॉर द इंडियन इंडस्ट्री इंडियंस को कुछ मिलता ही नहीं था सर सी पी एल्बर्ट जो लॉ मेंबर थे ऑफ द वाई काउंसिल ही प्रिपेयर्ड अ बिल पॉपुलरली नोन एज एल्बर्ट बिल बड़ा फेमस है हिस्ट्री में 1883 में इन्होंने बनाया था दिस बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश और यूरोपियन परसन बाई इंडियंस बाई दिस एक्ट द ब्रिटिश ट्राइड टू इंट्रोड्यूस इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन इंडिया सो बेसिकली दिस वॉज रिसेंटेड बाय द ब्रिटिश एंड दे स्टार्टेड अ डिफेंस एसोसिएशन टू डिफेंड देयर स्पेशल मतलब क्या होता है स्पेशल राइट्स दिस रिएक्शन प्रोवोक्ड काउंटर एजुटेशन बाई एडुकेटेड इंडियंस पढ़े लिखे इंडियंस हमेशा आगे कूद जाते थे कि ये ऐसा नहीं है गलत है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं ना वो टीचर को भी टीचिंग सिखाने लगते हैं होता है ऐसा एनी वेज कम बैक टू द लेक्चर द गवर्नमेंट अल्टीमेटली विदड्रो द बिल ऑफ कोर्स ऑप्शन नहीं था द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया इससे साफ साफ झलक रहा था कि ब्रिटिशर्स रेसिस्ट है. हैं रेशियल एटीट्यूड है इनका एंड इट मेड इट क्लियर टू द इंडियंस दैट जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड वे द इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी वर इन्वॉल्व मतलब न्याय होगा तो बाई एस्ड होगा प्रेजुडिस्ड होगा वन साइडेड होगा पार्शियल होगा सो ऑल दीज रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ़ द ब्रिटिश प्रूव्ड स्टिमुलस टू पॉलिटिकल एजिटेशन एंड क्विक ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अब हिंदुस्तान की बात हो रही है और तो समाज और धर्म कैसे पीछे रह जाए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए इट इज स्टार्टिड विद द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन दैट लेड टू अ रैशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ दिस मेड द एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज द नीड टू रिफॉर्म द रिलीजन एंड द सोसाइटी सो प्रमिनेंट रिफॉर्मर्स इस मूवमेंट के जो रहे देर हेज़ फॉलोज राजा राम मोहन रॉय इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था बीस अगस्त अठारह सौ स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज बनाया था इन्होंने दस अप्रैल अठारह सौ पचहत्तर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन एक मई अठारह सौ ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज चौबीस सितंबर, अठारह सौ ये कुछ मिशंस थे ये कुछ मूवमेंट्स थे जो रिफ़ॉर्मर्स ने बनाए अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ और प्रिंसिपल्स को लेकर के जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक और धार्मिक कई सारे बदलाव लाए इसीलिए इन्हें रिफॉर्म मूवमेंट्स कहा गया राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी वो चाहते थे कि जितने भी धार्मिक और सामाजिक बुराइयाँ हैं रिलीजियस एंड सोशल इवल्स जो उस वक्त बहुत ज़्यादा बंगाल में था ही वॉज़ डीपली मूवड बाई डीप लव फॉर इज पीपल अपने लोगों से उन्हें बेानतहा मोहब्बत थी एंड द कंट्री ऑफ कोर्स देश से एंड ही वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज़ लाइफ फॉर देयर रिलीजियस सोशल इंटेलेक्चुअल एंड पोलिटिकल रीजनरेशन इन्होंने काम किया पूरी ज़िंदगी रिफॉर्म्स के लिए और वो रिफॉर्म्स सामाजिक धार्मिक राजनीतिक इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखते थे ही वॉज नॉट ओनली अ रिफॉर्मर बट ही वॉज़ ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमेनिस्ट दोस्तों जिंदगी में कुछ हो ना हो इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए इन्होंने इतना काम किया एप्रिशिएट हुए हर जगह इन्हें अप्रिसशन मिला कोई भी इंसान अगर काम करता है तो उसे अप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए सो ही वॉज़ अ ग्रेट ह्यूमैनिस्ट ह्यूमेनिस्ट स्ट्रेस्ड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन ये हिंदू थे तो ऐसा नहीं कि हिंदू को ही बढ़ावा देते थे हर धर्म के प्रति इनकी निष्ठा और सम्मान एक बराबर थे अपने लड़कपन में एज ए यंग मैन इन्होंने संस्कृत और हिंदू फिलॉसफी की पढ़ाई की कुरान भी इन्होंने पढ़ा पर्शियन और अरेबिक लिटरेचर की भी पढ़ाई की इन्होंने वेस्टर्न थॉट एंड कल्चर को भी अच्छी तरह से स्टडी किया बाइबल को पढ़ने के लिए इन्होंने ओरिजिनल बाइबल को जो कि ग्रीक एंड हिब्रू में लिखी हुई है तो ये दोनों भाषा भी इन्होंने सीखी 1809, नाट में इन्होंने ही रोट इन परशियन गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एक किताब इन्होंने लिखी थी

he strongly held the view that all the principal ancient texts of the hindus preached monotheism monotheism kya hai? worship of one god that is monotheism mono means single these means religion so in 1814 he started the atmi sabha and carried on a persistent struggle against worship of idols and meaningless religious rituals मीनिंगस रिलीजियस रिचुअल्स थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश हो गई इसको समझने के लिए बताता हूँ भाई ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मुर्गा नहीं खाएंगे क्योंकि भगवान नाराज़ हो जाएंगे बाकी दिन खाएंगे अम्मा यार मंडे खाओ ट्यूसडे खाओ संडे खाओ मार के तो खा ही रहे हो किसी को पाप तो लगना ही है हु? सुबह चार बजे उठ जाओ सब सो रहे हैं घंटी बजाओ तो ये उनका मानना था अब अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है मेरा काम था आपको मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल समझाना वो मैंने आई होप क्लियर कर दिया है चलिए इसके बाद इन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की ब्राह्मो समाज को पहले ब्राह्मो सभा कहा जाता था ब्राह्मो समाज मोनोथिजम यानी कि वर्शिप ऑफ वन गॉड अब इन्होंने बनाया है तो ऑफ कोर्स अपनी ही आइडियोलॉजी पे बनाएंगे इन्होंने आइडल वर्शिप को बेमाना माना और ही लेड इम्फेसिस ऑन प्रेयर मेडिटेशन चैरिटी मोरालिटी एंड द स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी बिटवीन मेन ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड क्रीट्स एकता का भी इन्होंने संदेश दिया उस समय भाई कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवलेंट था ऊँची जात के हो तो ऊपर बैठो नीची जात के हो तो उस कमरे में ही मत बैठो अगर कोई ऊँची जात का प्राणी है तो तो बड़ा ही भेदभाव होता बहुत गंदी तरह ट्रीट किया जाता था नीचे जात के लोगों के लिए सो ही वॉज़ अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम इन्होंने एक कैंपेन भी रन किया जहाँ पे एबोलिशन ऑफ सती पर्दा सिस्टम सती मालूम है अगर किसी औरत का हस्बैंड पहले मर जाता है तो उसकी चिता में उस औरत को भी जिंदा जलना पड़ेगा औरत नहीं होगी मुर्गा हो गई रोस्ट कर दो मतलब दीज वर यू you नो know, सुन के हंसी आ रही है तो बड़े अजीब से रिचुअल्स थे जो थैंक गुडनेस कि राजा राम मोहन रॉय जी ने इसको बॉलिश करवाया दूसरा था पर्दा सिस्टम जो बच्चियाँ इस वक्त ये लेक्चर सुन रही हैं आज आप स्कूल जाते हो बाहर पार्टीज़ में जाते हो अपने दोस्तों से मिलते हो यहाँ वहाँ घूमते हो अभी मत घूमना लॉकडाउन है पहले इतना आसान नहीं था पर्दा में रहना पड़ता था औरतों को घर से बाहर निकल नहीं सकते थे सो इन्होंने इसे भी कंडेम किया पॉलीगेमी को भी कंडेम किया एक एक लोग चार चार शादी कर रहे हैं ये भी इन्हें गवारा नहीं था चाइल्ड मैरिजेस इन्होंने बंद करवाई एंड ही एडवोकेटेड एडवोकेटेड मतलब वकील नहीं एडवोकेटेड मतलब सपोर्टेड द राइट ऑफ विडोज़ टू री मैरी अगर एक तो चाइल्ड मैरिज करा रहे हो अब किसी का पति अगर गुजर गया बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं हुई है तो क्या पूरा ज़िंदगी वो अकेले काटे तो ये इन्होंने शुरू करवाया काफ़ी अच्छे काम किए थे इन्होंने इसीलिए सराहे जाते थे और हर इंसान की मदद करने के लिए एक रॉबिन हुड हमेशा रहता है तो इनके रॉबिन हुड थे उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक इन्होंने 1829 में एक लॉ भी पास कर दिया जिसने सती प्रैक्टिस को इलीगल और पनिशेबल कर दिया ही वॉज अ स्ट्रोंग सपोर्टर ऑफ वुमेंस राइट्स ही कंडेम द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन टू रेज द स्टेटस ऑफ वीमेन ही डिमांडेड दैट दे बी गिवेन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी क्या होता था घर है पिताजी हैं दादाजी हैं उसके बाद उनके बच्चे हैं मान लो भाई और बहन सो दादाजी पिताजी के बाद वो प्रॉपर्टी किसकी होगी बच्चे की बच्ची की नहीं होगी ये था पहले तो ये भी राजा राम मोहन रॉय जी को अच्छा नहीं लगा सो ये भी अधिकार उन्होंने लड़कियों को दिलवाया He was a pioneer in Indian journalism too. Ram Mohan Roy was a staunch nationalist, staunch nationalist, Kattar Deshbhakt, and a pioneer of Indian journalism. He brought out a number of journals in Bengali, English, Hindi, and Persian to spread scientific. literary एंड political नॉलेज अमंग द इंडियंस एंड raise पब्लिक ओपिनियन अब पहले ऐसा पोल तो नहीं होता था कि आज तक मैं डाल दिया कि अपने ये सो नो एस एम एस करो एक नंबर पर ये पॉसिबल नहीं था टेक्नोलॉजिकली हम इतने अपग्रेडेड नहीं थे तो इस तरह से पब्लिक ओपिनियन लिया जाता था ऑन टॉपिक्स ऑफ करेंट इंटरेस्ट एंड टू रिप्रजेंट पॉपुलर डिमांड्स एंड ग्रीवासिस बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट यू ऑल्सो स्टार्टेड अ बेंगोली वीकली कॉल्ड संवाद कमुदी इन एटीन ट्वेंटी वन और एक पेपर भी इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में निकाला जिसका नाम था मीरातुल अखबार राजनीतिक अधिकार भी इन्हें दिए गए थे राजा राम मोहन रॉय वॉज अ इनिशिएटर ऑफ पब्लिक एजुकेशन फॉर डिमांडिंग पोलिटिकल एंड अदर राइट्स इन्होंने ये भी डिमांड किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स का बहिष्कार हो अबॉलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स और हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो इंडियन गुड्स पे लगते हैं उसे भी बंद किया जाए ही ऑल्सो डिमांडेड सेपरेशन ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ट्रायल बाय जूरी जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड इंडियनाइजेशन ऑफ़ द सुपीरियर सर्विस रबींद्रनाथ टैगोर जी ने राजा राम मोहन रॉय के लिए कहा था कि राजा राम मोहन रॉय इनागूरेटेड द मॉडर्न एज इन इंडिया ही वॉज़ द फादर ऑफ़ रेनाइसेंस एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये बहुत बड़ी बात थी राजा राम मोहन रॉय जी के लिए इन्होंने समाज के लिए देश के लिए इतना किया लोगों के लिए इतना किया इन्हें अप्रिसिएशन भी मिला बडे बड़ी हस्तियों से अप्रिसिएशन मिला बट हाँ कुछ लोग उस वक्त भी रहे होंगे जो इनके इन अच्छे कामों को भी करते हैं होते हैं पोकर्स आज भी हैं सब जगह खैर अगले स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज टेंथ अप्रैल 1875 यह भी एक मोनोथीस्टिक इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था मोनोथीस्टिक यानी कि बिलीव इन वन गॉड जो प्रमोट करता था वैल्यूज एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द इनफॉलेबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास ये फॉलो करते थे वेदों को ऑल द वेद्स हिंदू माइथोलॉजी नहीं पता तो पता करो ये समाज बनाया था एक सन्यासी ने सन्यासी को इंग्लिश में एसेटिक कहा जाता है और वो सन्यासी थे दयानंद सरस्वती जी दस अप्रैल अठारह में इन्होंने इस समाज की स्थापना की मेम्बर्स ऑफ द आर्य समाज बिलीव इन वन गॉड एंड रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ आइडल्स सम वॉट पॉलिसी थोड़ी बहुत सेम थी आर्य समाज का इस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे में हुआ था आमची मुंबई दिस समाज इज़ एसोसिएटेड विद द डी ए वी स्कूल जो आप लोग सुनते हैं बहुत सारे लोगों को डी ए वी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होता है चलो आज मालूम पड़ जाएगा दयानंद एंग्लोवैदिक जिन्हें मालूम था बहुत अच्छी बात है अपग्रेडेड रहो नॉलेज वाइज तो हिंदुस्तान में लगभग 200 से ऊपर इनकी शाखाएँ हैं डी ए वी स्कूल्स की सो ये डी ए वी स्कूल भी इसी समाज से वास्ता रखता है स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन फर्स्ट में 1897। ये एक हिंदू रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था विच फॉर्म्स द कोर ऑफ अ वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट दोन एज रामकृष्ण मूवमेंट और वेदांता मूवमेंट द मिशन इज़ नेम्ड आफ्टर एंड इंस्पायर्ड बाय द इंडियन सेंट रामकृष्ण परमहंस फाउंडेड बाय राम कृष्णाज चीफ डिसाइपल उनके सबसे बड़े शिष्य स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस एंड स्परिचुअल टीचिंग दी ऑर्गेनाइजेशन कैरीज़ आउट एक्सटेंसिव एजुकेशनल एंड फ़िलंथ्रोपिक वर्क इन इंडिया फिलानथ्रोपिक मतलब मैन काइंड के लिए इंसानियत की भलाई के लिए द मिशन बेसिस इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म योग कर्म योग यानी कि जो आप करते हो वो लौट के वापस आता है जैसे मेरे अभी करीब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब एक आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ था एक नेशनल मैगज़ीन में द एकेडमिक इंसाइट्स वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र है कि जिस तरह से आज पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स सारे नहीं उनका नज़रिया उनका रवैया टीचर्स के प्रति एकदम वेटर्स जैसा हो गया है तो वो वैसे ही बात करते हैं तो वही उनके बच्चों द्वारा लौट करके उनको मिलता है सो ये कर्मा है जिस तरह से आप सामने देंगे उस तरह से आपको नीचे से मिलेगा ये हायरार्की है तो इसीलिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है सबको कि अच्छा करो सबके साथ बेहतर से बेहतर करो अच्छी सोच रखो किसी के किए का उसके फायदे देखो उसकी अच्छाइयाँ देखो गलतियाँ देखोगे पैसेमिस्ट हो जाओगे पैसेमिस्ट मत बनो ऑप्टिमिस्ट बनो फॉलो दिस थ्रू आउट योर लाइफ इट्स नॉट द हिस्ट्री लेसन इट इज़ द लेसन ऑफ द लाइफ उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट में आपका नंबर दीजिए मेरा ऑफिस आपको पहुंचाएगा अगला है सत्य शोधक सत्य मतलब ट्रूथ शोधक मतलब खोजने वाला और समाज मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे अभी तक सो ज्योतिबा फुले ही वॉज एन अर्बन एजुकेटेड मेंबर ऑफ अ सो कॉल्ड लो कास्ट His education and personal experiences had made him critical of Hindu religion and customs. पढ़े लिखे थे अपराध क्या था छोटी जात के थे इनकी कहानी कुछ कुछ बी आर अम्बेडकर जी से मिलती है दोनों ही महाराष्ट्रियन थे दोनों ने समाज के लिए बहुत काम किया बहुत ज़्यादा ही काम किया बट चूंकि ये छोटी जात से थे ट्रीट नहीं किया जाता था अच्छा जो बहुत गलत था सो ज्योतिबा फुले वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन टू लाइक राजा राम मोहन रॉय ही कंसिडर्ड वेमेन सुपीरियर टू मैन एंड टू their status स्टेटस ऑफ he wanted to provide education to women. ज्योतिबा फुले along with his wife सावित्री बाई फूले started one of the first girls school in Pune. Pune में इन्होंने पहला अपना स्कूल शुरू किया <laughs> इनकी वाइफ सावित्री बाई फूले इनके साथ रहीं तो ही स्कूल स्टार्ट हुआ इनके सुख दुख में इनके साथ रही फिर इन्होंने इस्टबलिश किया एक स्कूल चूँकि ये छोटी जात से थे तो हर्टेड थे क्योंकि उस वक्त स्कूलों में छोटी जात वालों को अनटचेबल कहा जाता था हर जगह अनटचेबल कहा जाता था स्कूल में थोड़ा बच्चे थे तो ज़्यादा फील हो जाता था तो इन्होंने एक स्कूल अनटचेबल्स के लिए शुरू किया और एक प्राइवेट ऑर्फनेज अनाथालय खोला विधवाओं के लिए इन्होंने भी विडो री मूवमेंट को बढ़ावा दिया महाराष्ट्र में मेनली क्योंकि राजा राम मोहन रॉय बंगाली थे सो बंगाल में ये फैला रहे थे उन्हीं की मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने ये सब काम किया इसके अलावा ही हैड वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ वेमेन जो भी लड़कियां आज इस वीडियो को देख रही हैं दे शुड ट द वर्क ऑफ ज्योतिबा फूले ही वॉन्टेड टू लिबरेट द डिप्रेस क्लासेस एंड मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स बाई एडुकेटिंग दैम क्या एडुकेट करते थे उनको ऑप्टेमिस्टिक बातें अच्छी बातें वरना कर्म लौट के आता है कास्ट स्ट्रक्चर की बात करें सो ही कंसिडर द कास्ट स्ट्रक्चर प्रिविलेंट इन इंडिया एज एन एपिटमी ऑफ स्लेवरी निचली जात वालों को एकदम नौकर ट्रीट किया जाता था नौकर से भी बदतर थूक नहीं सकते थे रस्ते में कहीं भी वो लोग बैठ नहीं सकते थे और अगर बैठते थे कहीं सो खड़े होकर मालूम है क्या करना पड़ता था हैव टू स्वीप दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ जहाँ उनका शरीर टच हुआ ज्योतिबा फूले की एक बहुत ही फेमस किताब है ग़ुलाम गिरी इन दिस बुक ही हैड डिस्क्राइब द हार्डशिप्स जो मुसीबतें एंड डिस्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन लोअर कास्ट को उस दौरान फील होता था इसमें उन्होंने बयां किया फाइनली सत्य शोधक समाज 1873 में inhone banaya with the aim of securing social justice for the weaker sections of society socio religious reform movements contributed to the onset of indian nationalism in the following manner swami dayanand and swami vivekanand proclaimed the superiority of indian culture and civilization The reformers condemned untouchability and caste system. The ideas of brotherhood and equality attacked the so called lower castes. The reformers condemned untouchability and the caste system. The ideas of brotherhood and equality attracted the so called lower castes. The reformers taught people not to ignore the importance of women who could participate in the national movement. They protested against the British domination of India. Swami Dayanand Saraswati was the first to use the word Swaraj and raise the very famous slogan India for the Indians. The reform movements created a consciousness of a new society, ek jagrukta lai, ek एक ऐसा समाज विच इज़ डिवाइड ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन कास्ट क्रीड और रिलीजन सो ये थे हमारे सारे समाज और सोशियो रिफॉर्म सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स प्रेस वो तो कपड़े में करने वाला मत समझना हेयर प्रेस मीन्स मीडिया अब उस समय मीडिया इतनी ये सोशल मीडिया एंड न्यूज़ चैनल्स वगैरह नहीं थे अखबार चलते थे टैबलाइट चलते थे पैम्फलेट्स में लोग अपने स्लोगन्स ऐसे प्रमोट किया करते थे सो लार्ज नंबर ऑफ़ न्यूज़ पेपर्स वो स्टार्टिड इन द लेटर हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी पेपर्स छपने लगे थे जो उनमें से महत्वपूर्ण न्यूज़ पेपर्स थे वो थे अमृत बाजार पत्रिका दी बेंगोली द ट्रिब्यून दायोनियर दी टाइम्स ऑफ इंडिया दी हिंदू एंड दी स्टेट्स मैन लास्ट के कुछ जो हैं ये इंग्लिश में छपते थे बाकी इनके अलावा कई सारी अन्य न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वर्नकलो लैंग्वेजेस में भी आती थीं जिसके ऊपर वर्णक्लो प्रेस एक्ट लगाया था तो ये सारे न्यूज़पेपर्स जो थे दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ स्ट्रांग नेशनल सेंटिमेंट अमंग द इंडियंस और वो कैसे कुछ इस तरह से प्रेस ही वो माध्यम था जिसके द्वारा देशभक्ति का मैसेज मॉडर्न लिबरल आइडियाज लिबर्टी फ्रीडम इक्वेलिटी होम रूल इंडिपेंडेंस ये सब लोगों तक पहुँचता था अब तब फेसबुक थोड़ी था कि पोस्ट डाल दो शेयर कर दो वायरल हो जाएगा बड़ा मुश्किल था प्रेस कैरीड ऑन डेली क्रिटिसिज्म ऑफ द जो भी अनजस्ट पॉलिसीज थी उसमें जो भी क्रिटिसिज्म होते थे वो लोगों तक कैसे पहुँचते थे प्रेस के द्वारा न्यूज़पेपर के द्वारा मैगज़ीन्स के द्वारा कौन करता था ये सब Unjust policies. Who else? British government. Or ye pressihita you expose karta the true nature British rule ka Hindustan. It made possible the exchange of views among different social groups from different parts of the country and to organize political movements. It made Indians aware of what was happening in the world as well.

रोल ऑफ द प्रेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे तो सभी ज़रूरी है ये भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी है प्री करसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाई द सेकेंड हाफ ऑफ दिस नाइनटीन सेंचुरी हिंदुस्तानियों के अंदर तो अच्छी तरह से गर्मजोशी आ गई थी और वो ये जान चुके थे दैट द ब्रिटिश फर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल

In specific parts of the country, they had common goals for all the people of India. They did not work for any one religion, community, or class. The first political association to be started in India was the Landholders Society in Kolkata, 1838. Many public associations were started in different parts of India. लाइक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द पूर्ण सार्वजनिक सभा लंडन इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन एसोसिएशन दीज एसोसिएशन्स सर्वड एज अ बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इसलिए इन्हें प्रीकर्सर ऑफ दी आई एन सी कहा गया है कांग्रेस Was an all India political organization. Most prominent among these associations were the East India Association, which was founded in London in 1866 by Dada Bhai Naoroji. The, yeah? the association provided information to all Indian subjects, to British citizens, and members of parliament it voiced the grievances of indians and suggested remedial measures dadabhai naoroji ko grand old man of india bhi kaha jata he as a mediator kaam karte the. he was of the opinion that british were basically just and good he wanted to place the true state of uh, affairs true state of affairs in india before the people of england so that the problems of the indians मे गेट रिजॉल्ट एज अ मीडिएटर आई टोल्ड यू इनके एसोसिएशन वैसे तो बेस्ड लंडन के थे बट इनकी ब्रांचेस यहाँ मुंबई कोलकाता और चेन्नई में थी अगला एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन एटीन सेवेंटी सिक्स इट वॉज मैन टू बी एन ऑल इंडिया मूवमेंट विच वॉज़ हेडेड बाय सुरेंद्र नाथ बेनर्जी Bengali. The association had lawyers, professionals, and educated middle class as its members. This association had branches in Bengal as well as in towns outside Bengal. Objectives, your goal in they wanted to create a strong body of public opinion they wanted to integrate indian people on the basis of common political interests. they wanted to promote friendly relations between hindus and muslims. they also wanted to indulge in mass participation in public movements. in association k achievements, were इट लॉन्च एजुटेशन अगेंस्ट ऑप्रेसिव एक्ट सच एज लाइसेंस एक्ट आर्म्स एक्ट एंड दर्ना क्लब प्रेस एक्ट एंड अगेंस्ट लोवरिंग द एज लिमिट फ्रॉम ट्वेंटी वन टू नाइनटीन ईयर्स द इम्पीरियल सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन लास्ट में जहाँ पर आई सी एस को इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन कहा गया वो इम्पीरियल सिविल सर्विस एग्ज़मिनेशन है जब तक ब्रिटिश का राज था उसके बाद वो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ और उसके बाद वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुआ सो इट ऑल्सो टुक अप द कॉज ऑफ़ द वर्कर्स ऑन द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस। हाउर द एसोसिएशन फेल टू अटेंड एन ऑल इंडिया कैरेक्टर अगली एसोसिएशन थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऑल इंडिया नेशनल conference and kolkata it was tab kolkata ko kahajatata -T -T it was a provincial organization it offered a model to the indian national congress which was formed two years later since both these bodies served the same purpose same intention that is to work for the welfare of the indians it merged with the i n c in december 1880 सिक्स दो अलग अलग बॉडीज़ चलाने का क्या मतलब जब दोनों के काम ही हैं क्या सो so वो दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया आई होप मैंने रिमाइंड नहीं कराया बट आप लोग नोट्स बना रहे होंगे सो फॉर्मेशन ऑफ आई एन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस में दीज ऑल व पर्सनस वर इन्वॉल्व इनके अलावा भी कई सारे लोग थे बट दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स एंड सपोर्टर्स एंड ये इनके एम्स हैंट्स डिस्कस इन डिटेल फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारी अलग अलग पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले आपको बताई गई देवर लोकल इन कैरेक्टर कोई कोलकाता में चला रहा है कोई बॉम्बे में चला रहा है हाउर दे एक्टिविटीज है ग्राउंड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी यहीं शुरू वो कहावत सुनी है ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है तो बूंद बूंद से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां इंडियन लीडर्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी दादा भाई नोरोजी फिरोज मेहता बद्रुलद्दीन तय्यब जी जस्टिस रनाडे दे व मूविंग टूवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया पोलिटिकल पार्टी लकीली फॉर देम इट हेल्प इन द डायरेक्शन केम फ्रॉम अ स्ट्रेंच सोर्स फ्रॉम ए ओ ह्यूम एल एन ऑक्टेवियन ह्यूम ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश मेम्बर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस ये जब भी आपको एक््रोनेम आ जाए ना लेकिन बहुत सारे लोग ह्यूम तो ह्यूम पढ़ गए आगे बढ़ जाते हैं भाई ए का फुल फॉर्म देख लो जस्टिस एम जी रानाडे आ गए महादेव गोविंद रानाडे थोड़ी क्यूरियोसिटी रखो यार पढ़ाई कर रहे हो बीइंग स्टूडेंट यू हैव हाँ टू तो बी क्यूरियस सेम उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह जो किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन को कर रहा होता है हर जगह दिमाग चलता है क्यूरियोसिटी ढूंढता है क्यूरसिटी अपने अंदर डेवलप करो प्लीज़ सो ह्यूम वॉन्टेड टू सेटअप एंड ऑर्गनाइजेशन दैट वुड ड्रॉ द गवर्नमेंट्स अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स एंड सजेस्ट मीन्स टू रेक्टिफाई दैम सुधार लाना चाहते थे ह्यूम रोट एंड ओपन लेटर टू द ग्रेजुएट्स ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी आस्किंग डैम टू डेडिकेट दैमसेल्स टू द सर्विस ऑफ द पीपल बाय फॉर्मिंग अ यूनियन टू ऑर्गनाइज अ व व वेल डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन दिस अपील प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ठीक उसी तरह जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो ना अब उस समय तो नहीं था पॉसिबल तो इन्होंने सारे ग्रेजुएट्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो थे उन्हें नोटिस लिखा ग्रुप फॉर्म करो और हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या था हिंदुस्तान की आज़ादी 1884 में ह्यूम इंडियन लीडर्स के साथ कंसल्ट करके इंडियन नेशनल यूनियन का फाउंडेशन रखा दी कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज कन्ड यानी बुलाए गए बाय द यूनियन एट पुणे ऑन दिसम्बर ट्वेंटी फाइव एटीन एटी फाइव उस दौरान जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है वैसे एक बीमारी फैली थी प्लेग जो चूहों से होती थी प्लेग ब्रोकआउट इन पुणे At that point of time, so the meeting of the union was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Mumbai, Usame Us Bombay. Tha. From December 28 to 31st, 1885, under the presidentship of Vomesh Chandra bonerji, it was attended by 72 delegates. Ye surname, jo hai ye बैनर्जी ही है विद बंगाली प्रोनाशिएशन बट इन एक्चुअल दे आर बंदोपाध्याय चैटर्जीज आर चट्टोपाध्याय मुखर्जीज़ आर मुखोपाध्याय थोड़ा क्यूरियोसिटी रखो हर चीज को जानने की नाउ ऑन सजेशन ऑफ दादा भाई नवरोजी द नेम ऑफ द यूनियन वॉज चेंज टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस दस the foundation of indian national congress was led on december 28, 1885. the viceroy, lord dufferin, favored the formation of congress because he wanted it to act as a safety valve for popular discontent, thereby safeguarding the british interest in india. the congress stood for the hopes and aspirations of the people of india. वो एक्सेप्टेड इट्स लीडरशिप इन लॉन्चिंग द फ्रीडम मूवमेंट इट अचीव्ड द गोल ऑफ फ्रीडम इन नाइनटीन फोटी सेवन यहाँ पर भी देखिए अंग्रेज़ भैया डफरिन डर डफर इन अच्छा डरिन जो हैं यहाँ पर भी अपनी जुगाड़ में थे कि भाई इससे हमारा थोड़ा भला होगा ब्रिटिश इंटरेस्ट ना छूटे इनसे बस जो भी काम करो फायदे के लिए करो बस इतने सेल्फिश थे अब देखते हैं एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी डब्ल्यूसी बोनर्जी डब्ल्यू डिक्लेयर द फॉलोइंग एज द एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहला टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द Country to develop and consolidate the feeling of national unity, irrespective of caste, religion, or province, to formulate popular demands and present them before the government, to train and organize public opinion in the country of India. दी कांग्रेस हेल्ड इट सेशन एवरी ईयर इन दिसंबर हर साल दिसंबर में एक सेशन होता था उस सेशन में सारे प्रोग्राम्स चॉकआउट यानी कि डिस्कस प्लान किए जाते थे कि उसको किस तरह एम तक पहुंचाना है चेंजेस वो मेड इन द एम्स ऑफ मैं कांग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे हर दिसंबर अकॉर्डिंग टू द चेंज सकमस्टेंसेस सकमस्टेंसेस मतलब क्या होता है हालात स्थिति परिस्थिति सिचुएशन यूज़ करो डिक्शनरी रखे मत रहो उसको जैसा कि बताया हर साल दिसंबर में आईएनसी बनने के बाद सेशंस होते थे पहला सेशन हुआ था डब्ल्यू सी के प्रेजिडेंटशिप में कुल बहत्तर डेलीगेट्स समूचे भारतवर्ष से आए थे इसको अटेंड करने जिसमें एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जैसे दादा भाई नौरोजी, के टी तेलानग फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब जी जी सुब्रमण्य अय्यर, अनंदा चार्लू एन जी चंदवरकर जस्ट जस्टिस राणाडे डे इन सब लोगों ने शिरकत की दूसरा सेशन 1886 कोलकाता में किया गया इसकी प्रेजिडेंटशिप की दादा भाई ने कुछ डेलीगेट्स सम ऑफ़ द डेलीगेट्स वर रिसीव्ड बाय लॉर्ड डफरिन एज डिस्टिंग विजिटर्स टू कैपिटल। देर आफ्टर

पहले हिस्ट्री अगर पढ़े हो तो अर्ली नेशनलिस्ट्स असर्टिव नेशनलिस्ट्स मालूम होगा अगर नहीं मालूम है तो मालूम करो अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच डिस्प्यूट था कांग्रेस में रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ एजिटेशन इन बंगाल आफ्टर इट्स पार्टीशन अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो शांति प्रिय थे पीस लविंग और असर्टिव नेशनलिस्ट भगत सिंह समझ गए मोटा मोटा डिफरेंस है इन डिटेल पढ़ लो तो इनके बीच मतभेद हो गए थे रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ एजिटेशन, बंगाल पार्टीशन 1905 के दौरान कांग्रेस भी बट गई थी स्प्लिट हो गई थी असर्टिव ग्रुप अलग था और एसर्टिव ग्रुप को एक्सक्लूड ही कर दिया गया था कांग्रेस से करीब एक दशक तक दशक मतलब होता है डिकेड डिकेड मतलब होता है ग्रुप ऑफ टेन ईयर्स दस सालों का समूह को डिकेड कहा जाता है इट वॉज ओनली इन नाइनटीन सिक्सटीन दैट द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस यूनाइटेड एट द लखनऊ सेशन तब के अलग हुआ उन्नीस सौ सोलह में मिले कहाँ पे लखनऊ

<laughs> मूवी देखने जाते हैं तो भी गाते हैं खड़े होके नेशनल इंदम जन मन पहली बार ट्वेंटी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता में गाया गया नाइनटीन नॉट एलेवन के बी सी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से बहुत सारे ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन के हिसाब से पढ़ते चलो अगला थर्टी फर्स्ट लखनऊ सेशन नाइनटीन सिक्सटीन जॉइंट सेशन हुआ था मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था इस दौरान थर्टी नाइन्थ हुआ था बेलगाम 1924 ट्वेंटी फ़ोर इस सेशन को प्रिसाइड ओवर किया था हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने फोर्टी फोर्थ सेशन लाहौर में हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी नाइन डिक्लेरेशन हुआ है यहाँ पर पूर्ण स्वराज का पूर्ण स्वराज मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस हिंदी में पूर्ण का मतलब कंप्लीट होता है स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस एंड लॉन्च हुआ था यहाँ पे सिविल डिसोबीडियस मूवमेंट फिफ्टी फस्ट हरीपुर नाइनटीन सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट he presided over this session. So this is how we had discussed first war of independence in the earlier lecture, growth of nationalism. इस लेक्चर में हमने समझा आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नोट्स बनाइए डिक्शनरी यूज़ करिए वोकेबलरी एनरेज करिए और मेहनत करिए जैसे इस वक्त रात के तीन बज रहा है लोगों को लगता है कि ये वीडियो बनाना बहुत आसान है बस टाइप किया कुछ भी और बोल दिया एक घंटे दो घंटे बट यकीन मानिए एक एक लेक्चर बनाने के लिए हमें दो दो दिन जाता है कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है उसको समझना पड़ता है इस लेवल में कि वो बच्चों के समझ में आए फिर उसकी स्लाइड्स बनानी पड़ती है देश एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुज़र रहा है इसलिए जो इंसान जितना आपके लिए कर रहा है उसकी वैल्यू अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे क्रिटिसाइज़ ना करें लाइव ऑनलाइन लेक्चर इतने अच्छे नहीं होंगे जितना अच्छा ये सिस्टम है सो so प्लीज़ इसे फॉलो करिए आप लोगों के लिए हम हमारी टीम दिन रात एक करके यकीन मानिए इस वक्त तीन बज रहे हैं सुबह के एंड आई एम स्टिल ऑन रिकॉर्डिंग एंड डबिंग इसके बाद वीडियो प्रोसेस होने के लिए जाएगा और फिर ये आप तक पहुंचेगा तो मेहनत काफ़ी है अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं सो क्रिटिसाइज़ नहीं करें रही बात हमारे इंटरेक्शन की सो लेक्चर देखने के बाद आपको जो भी डाउट हैं जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें आपको आपका रिप्लाई आपके क्वेरी सॉल्विंग मिलेंगे ज़रूरी नहीं वन टू वन लेक्चर अब वन टू वन लेक्चर लोगे बारह लोग एक साथ ऑनलाइन हैं फर्ज करो सपोज करो किसी के घर में चाय आ रही है किसी के यहाँ बच्चा रो रहा है किसी के यहाँ खाने का टाइम हो गया है तो किसी के यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं इतनी छोटी सी बात शायद छोटी सी होगी मेरे लिए ये सबसे बेस्ट वे है एक्सप्लेनेशन का इसे आप लोग फॉलो करें जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डालें ये मेरा आपसे अनुरोध है ये मेरा आपसे निवेदन है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं अब ये सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं ऑल ओवर इंडिया बहुत अप्रिसिएशन हमें मिल रहे हैं बहुत तारीफें मिल रही हैं सो so, हम और काम करते रहेंगे आपके लिए ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड्स एलेवेंथ ट्वेल्थ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज अपलोड होते रहेंगे चीज़ें कठिन है अभी देश पूरा गुजर रहा है दुनिया पूरी गुजर रही है इस मुसीबत से सो एक दूसरे का सहारा बने एक दूसरे का सपोर्ट बने और एक डिग्निफाइड मैनर में कॉन्वर्सेशन करके आपकी चीज़ों को मेंशन करें आपके सॉल्यूशंस ढूंढें प्रॉब्लम के ना कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करें सो आप सबसे अविदा लेना चाहूँगा होपफुली ये टॉपिक आपको पसंद आया हो समझ आया हो पसंद से ज़्यादा ज़रूरी है समझ इसी के आपने नोट्स तैयार करने हैं प्रॉपरली अच्छे से पॉइंट वाइज जैसा मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री हमेशा पॉइंट वाइज लिखी जाती है समझी जाती है पढ़ी जाती है सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर ऑल द बेस्ट हैव अ ग्रेट टाइम अहेड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली अपने पैशन को कैरी करो कुकिंग करते हो तो कुकिंग करो जो कॉमेडी पसंद है सो so वो करो ड्राइंग पेंटिंग जो पसंद है वो करो क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक चीज़ याद रखो हमेशा जिंदगी में जो मन में आए जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो एक कहावत भी है कुत्ते भोंकते रहते हैं उसके भोंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता सो so, तुम्हें जो पसंद आए ये समय पूरे देश को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मिला है जो बोलते हैं बोलने दो अवॉइड करो फॉर सच पेसिमिस्ट एंड नेगेटिव पीपल इग्नोरेंस इज़ द ब्लेस तुम शायद अपने पैशन को फॉलो करने जाओगे तुम मेमिक्री करोगे तुम कॉमेडी करोगे या तुम खाना बनाओगे या तुम कुछ भी करोगे तो लोगों को बड़ी जलन होगी खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है किसी को पिन पॉइंट करना बहुत आसान होता है लाइफ में और अपने पैशन को फॉलो करना इज़ अ डिफरेंट थिंग सो जस्ट अवॉइड बी हैप्पी बी ब्लिसफुल डू वॉट योर हार्ट एंड माइंड से थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम आई